हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू ROTAQ एंड आज हम करने वाले हैं कोकोनट ऑयल का यूज डैशबोर्ड को शाइन कराने के लिए। लेट्स सी शाइन कर पाता है या नहीं। लास्ट टाइम बहुत सारे कमेंट आए थे कोकोनट ऑयल को यूज करो, शैम्पू उतना शाइन नहीं करता और शैम्पू बारिश में उतना काम नहीं करता है। तो आज हम ट्राई करते हैं कोकोनट ऑयल को, देखते हैं क्या इसमें शाइन परमानेंट होती है, क्या 2 से 3 दिन चल पाती है नहीं। सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम एंड लेट्स स्ट्रेट इनटू द वीडियो। पहला क्वेश्चन आता है ये कितने दिन चलेगा, तो इसका आंसर 2 से 3 दिन। सेकंड क्वेश्चन आता है क्या इसको बारिश में कोई इशू तो नहीं होगा, तो बिल्कुल भी नहीं बारिश में कोई इशू नहीं होगा। मैंने बारिश में राइड भी किया है स्कूटर को एंड जब मैं वापस लेके आया तो आप देख सकते हो यहाँ पर बारिश की बूंदें जम गई थी जो मैंने इजीली कपड़े से रिमूव कर दी। थर्ड क्वेश्चन आता है कि भाई इसकी प्राइस क्या है, तो इसकी प्राइस 20 रुपीज जो आपको किसी भी शॉप में मिल जाएगा और ये ऑलमोस्ट 15 से 16 टाइम्स चल जाएगा आपको अगर आप सिर्फ डैशबोर्ड को पॉलिश करते हो। अगर आप पूरे एक्टिवा में अप्लाई करना चाहते हो, जितने भी ब्लैक पार्ट्स हैं जिसमें भी आपको टेक्सचर डैशबोर्ड जैसा मिलता है वहां पर अगर आप अप्लाई करते हो पूरे एक्टिवा में, तो ऑलमोस्ट 6 से 7 टाइम्स चल जाएगा। सो आप भी इसे ट्राई करो, आप मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में कि आपका इट पॉलिश कितने दिन चला। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। इफ यू लाइक अवर वीडियो सो हिट लाइक सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन बाय व्हिच यू विल गेट अपडेट्स ऑफ आवर अपकमिंग वीडियोस।